हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। फाइनली S24 के अंदर अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच के साथ नया अपडेट रिलीज कर दिया गया है। ये अपडेट आज ही के दिन रिलीज किया गया और एक दिन पहले ये यूएसए कनाडा में मतलब सब जगह लॉन्च हो चुका था और इंडिया में अभी रिसेंटली इसको अपडेट को रोल आउट कर दिया गया। क्या ही अपडेट है, इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए या क्या क्या एनहांस परफॉर्मेंस की गई, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो फाइनली दोस्तों, उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की, आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है अपडेट के लिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, एंड देन वहाँ पर आप चेक डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा है और अपडेट के साथ वहाँ पर एक नया आपको वहाँ पर डाउनलोड करने को बोल देगा। तो आप ये देखेंगे नया अपडेट आया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें सिक्योरिटी का अपडेट किया गया है, कुछ इन्हांस फीचर किए गए हैं और कुछ नॉर्मल इनहांस फीचर्स वहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट का जो साइज़ है या इस अपडेट में जो वहाँ पर नरेशन दिया कि क्या नया चेंजेस किया, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है इस अपडेट में सिक्योरिटी अपडेट की गई है, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2024 की सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है। साथ में 1 UI 6.1 का अपडेटेड है और नीचे की तरफ आएंगे तो 297 MB का ये अपडेट आपको रोल आउट किया है। आज ही के दिन इसको इंडिया में रोल आउट किया गया है। इस अपडेट को आपको कर लेना है यहाँ पर डाउनलोड, तो 297 MB का है, इसको आपको अपडेट करके डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल पे कर देना है। अब इंस्टॉल होने में कम से कम 10 से 15 मिनट रहेगा और एक बार हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप अपने मोबाइल को इंस्टॉल करें तो आपके मोबाइल को कम से कम 50% के अबव चार्ज पे रखें। तो ये फाइनली हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आप देखेंगे नीचे या फिर आप बोल सकते हैं अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर नरेशन भी आ गया, योर डिवाइस इज अपडेटेड। तो यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है अबाउट फोन में, एंड देन यहाँ पर चले जाना सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 UI 6.1 का अपडेट हो चुका है, 1 अक्टूबर 2024 की सिक्योरिटी अपडेट आ गई है और जैसे ही आप उस पर टैप ऑन करेंगे तो वो आपको ले जाएगा आपके मोबाइल के वहाँ पर एक वेबसाइट में खुल जाएगी जिसमें बताता है गूगल की इस अपडेट में क्या रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आप देखेंगे तो ये सैमसंग पे टैप करेंगे तो आपको बता देगा इस अपडेट में क्या नया चेंजेस किया गया है, या फिर बोल सकते हैं इस अपडेट में मेनली क्या चेंजेस किया गया है। जैसे जो भी कुछ छोटे छोटे बक्सेज होते हैं या फिर जो भी उन्होंने कोई क्लियर करा होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंशन है और सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कि इस अपडेट के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया गया है और इस अपडेट में सिक्योरिटी के साथ क्या क्या इनहांस या कुछ कुछ छोटे छोटे जो बग्स हैं या वायरसेस हैं उसको यहाँ पर रेक्टिफाई करा गया है। इसको पूरा आर्टिकल आप चेक करने जाएंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि इस अपडेट में ब्रीफली क्या क्या किया गया है, और पूरा अगर आपको स्पेशली पढ़ना चाहता है ना तो एक एक करके देख सकता है कि कौन कौन से हैंडसेट्स पे आया है और कब का ही अपडेट है। आप एक एक मंथ वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ में क्या गया था और इस मंथ में क्या किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हो चुका है अपडेट। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको यूज़ करके दिखाऊँ, जैसे मैंने गैलरी को ओपन कर लिया या व्हाट्सअप ओपन कर लिया या मेरा क्रोम ओपन कर लिया, कैमरा ओपन कर लिया और कॉल ड्राइवर ओपन कर लिया, एंड देन प्ले स्टोर गैलेक्सी स्टोर सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ओपन कर ली हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे मेरा डिवाइस यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजीली या बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्किंग करता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है, और भी अलग अलग टैब्स भी खोल लूँ या ऐप्स को खोल लूँ तो भी आप देखेंगे आपको कोई इशू नहीं। जैसे मैंने गैलरी खोल ली है, गैलरी के बाद मैं ऊपर भी टैप कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चलने में कोई भी इशू नहीं है और बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली चल रहा है। तो इस अपडेट के बाद फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि, अब देखो आपके सामने अभी रिसेंटली अपडेट किया है तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अपडेट के बाद कुछ यहाँ परफॉर्मेंस को यहाँ पर लैग किया गया या इम्प्रूव किया गया है, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, मुझे सेम एट इज इट यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर ऐप्स में जाके देखेंगे अपडेट्स में या फिर जो भी कुछ नए अपडेट्स तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं इस अपडेट के बाद, जो पहले अपडेट्स थे वही के वही अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग में अभी आपके सामने पूरी यहाँ पर ऐप्स को खोल लिया है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सही चल रहा है पूरी ऐप्स। अगर मैं ऐप्स आइकन्स वाले उसमें चले जाऊँ या बोल सकते हैं ऐप वाले विंडो में चले जाऊँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐप्स को कोई इशू नहीं है और बहुत ईजिली यहाँ पर चल रहा है, या कोई भी एनिमेशन यहाँ पर लैग करता हुआ नहीं देख रहा है मैसेज में या बहुत सारी चीज़ों में, सब जगह करके देखा ऐसा कोई इशू फिलहाल तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट में देखेंगे क्या इशू लगता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।